अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं डॉक्टर सजाद पाइल्स क्लिनिक से नागन चुरंगी मेन आपका अंडा मोड़ की तरफ सर्विस रोड जा रहा है, मेन नागन चुरंगी पे है। अगर आप चाहें तो गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं, लोकेशन आपको मिल जाएगी। मैंने ग्रेजुएशन की भी है, ठीक है, और मैंने पाकिस्तान सेंटर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आपका नाजमाबाद में है वहाँ से मैंने होम्योपैथिक का 4 साल का डिप्लोमा किया है, और वहीं पे मैंने स्टडी वगैरह काफ़ी की। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस मैंने अपने वाले साहब के साथ शुरू की, वहाँ से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, और आज अल्लाह का शुक्र है अपना पर्सनल क्लिनिक है, तो यहाँ मैं इसको मज़ीद लोगों की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। मैं जब स्टडी कर रहा था तब से ही मैं वाले साहब के साथ जो था प्रैक्टिस पे था, तकरीबन वहाँ पे मेरे को कम से कम इस टाइम के हिसाब से तकरीबन मुझे 20 साल हो गए हैं। 10 साल मैं उनके वहाँ प्रैक्टिस में था, उसी दौरान मेरी स्टडी भी चल रही थी, और 10 साल मुझे अपना 10 से 15 साल मुझे अपना ये क्लिनिक किए हो। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है पाइल्स की ट्रीटमेंट करता हूँ, पाइल्स के पेशेंट जो होते हैं उनकी जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, उस वाले से ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे एनल फिशर हो गया, एनल फिस्टुला हो गया, ज़्यादातर लोग ऑपरेट की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं बगैर ऑपरेट के होम्योपैथिक BM की होम्योपैथिक मेडिसन से इसकी ट्रीटमेंट करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, शिफा अल्लाह ताला देने वाला है और माशाल्लाह क्योर है। दूसरा इंटरनल पाइल्स हो गया, इसकी भी जो जिसमें ब्लीडिंग होती है, मस्से बाहर आते हैं, इसकी भी ट्रीटमेंट करता हूँ, और शुक्र है अल्लाह का 6 से 8 दिन के अंदर पूरी बीमारी की कंप्लीट कोर्स करता हूँ। जी बिल्कुल, इसमें फिस्टुला जो है सबसे नंबर वन है, क्योंकि कोई भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं करता था, तो फिस्टुला की मैंने जब ट्रीटमेंट शुरू की पहले तो काफ़ी रहा टाइम रहा, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस मकाम पर हूँ कि जो ऑपरेट करके भी पेशेंट आए हैं जो फिस्टुला नहीं क्योर हो पाया, आज मैं उनकी भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है थोड़ा टाइम लेता है, 2 से 3 महीना, लेकिन कंप्लीट क्योर हो जाता है गारंटी के साथ, शुक्र अल्लाह का। होम्योपैथिक में मेरे तो सर थे वहाँ पर जो कॉलेज के सर रह चुके हैं, ठीक है, वहाँ मेरा रहा है उस्ताद जो है मेरे वाले साहब और मेरे बड़े भाई, यही मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाया है। यहीं से मैं सीखता हुआ आया हूँ, पहले वाले साहब से सीखा, उसके बाद मेरे जो बड़े भाई उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, उसके बाद आज अल्लाह का शुक्र अपना पर्सनल में क्लिनिक करके बैठा हूँ। वही मेरे उस्ताद हैं, वही मेरे टीचर हैं। इसमें ज़्यादातर जो है नज़ला बुखार खांसी आता है, लेकिन मैंने एक स्पेशलिटी की हुई है पाइल्स के हवाले से, तो जितने भी है ज़्यादातर एनल फिशर, एनल फिस्टुला, इंटरनल पाइल्स, हीमोटोमा, इस वाले से जितने भी पेशेंट है सारे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ यहाँ पर क्लिनिक। ज़्यादातर जो है मैं BM की लेता हूँ, क्योंकि और भी मैंने कंपनियाँ यूज़ की हैं लेकिन उनका कोई ख़ास मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आखिर में मैं BM पर आया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है इसका रिजल्ट फास्ट और बहुत अच्छा है। कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, बहुत सी कंपनियाँ हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला वो इस कंपनी में मिला, जब भी मैंने इस कंपनी को आगे मजीद कंटिन्यू रखा है मेडिसिन के हवाले से। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसकी पोटेंसी अच्छी है, जो कि मैं और मेडिसिन और कंपनियों की मेडिसिन मंगाता रहा हूँ वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला, और वो क्वालिटी मुझे नहीं मिली जो इसकी क्वालिटी है, तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और माशाल्लाह इसका रिजल्ट, मेन चीज रिजल्ट पेशेंट को अगर आ रहा है, क्योंकि अक्सर मैं जब फिस्टुला की ट्रीटमेंट करता था तो और भी कंपनियाँ थी मेरे पास, उनकी भी मेडिसिन देता था लेकिन वो क्योर होने में बहुत टाइम लेती थी, लेकिन एक वाहिद BM मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे बहुत जल्द से जल्द उसमें अफाका दे रही है, तो अल्लाह का शुक्र है इसका रिजल्ट माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा। माशाल्लाह मदर टिंचर बहुत अच्छी हैं और अपॉइंटमेंट भी इनकी बहुत अच्छी है, सिरप भी बहुत ज़बरदस्त है इनके, और इन्होंने सबसे अच्छी एक आसानी की भी हम डॉक्टरों के लिए कि अपने एक नंबर्स दिए हैं, जो BM के नंबर आते हैं जैसे कि BM नंबर 2 हो गया और 104 हो गया, मतलब ये नंबर्स जो हैं कि बहुत आसानी रह गए, जो हम अपने पास से क्लिनिक से कॉम्बिनेशन बनाते थे वो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास तैयार हो जाता है, वही हम पेशेंट को भी देने में आसानी होती है, और माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी फास्ट आता है। माशाल्लाह जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से इसका एक नाम था, एक सोच थी मैंने कहा लूँगा उस टाइम, लेकिन ऐसा ऐसा जब इस फील्ड में आया तो वाकई जब मैंने स्टार्ट किया BM को तो माशाल्लाह और कंपनियों से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि और से और बेहतरी होती जा रही है, मजीद और बेहतर होता जाएगा और अच्छी इंशाल्लाह मजीद इसके मामलात में रिजल्ट में आसानी आएगी। माशाल्लाह ऐसी तो कोई सजेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह उनकी वैसी अपनी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि मैं क्या उनके सामने हूँ, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी सारी प्रोडक्ट, तकरीबन बहुत कारामद है। खासकर अभी जैसे लास्ट टाइम एक कोडोफाइलम सिरप इनका लॉन्च हुआ था, वो मैंने यूज़ कराया और कंपनी का यूज़ कराता है, लेकिन कोई अफाका नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये यूज़ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत ही जल्दी मिला है, तो माशाल्लाह क्या कहूँ इसके बारे में। बस ये यही एक शौक है हमारा क्लिनिक
लोगों की खिदमत करना, पेशेंट की खिदमत करना। दूसरा, कभी निकल जाते हैं आउटडोर, मतलब कराची से बाहर कहीं निकल जाते हैं, वहां पे घूम फिर कर आ जाते हैं। एक यही है, बीवी बच्चों के साथ घर में बैठने के अलावा क्लिनिक, और सही फिर 10-15 दिन के लिए जरा और शहर में निकल जाते हैं। बस क्या कहें आपको, बस एक टाइम था हमारा कि एक लड़कपन था, कॉलेज टाइम था। उसके बाद फिर इस फील्ड में हमारे वालिद साहब थे, तो एक शौक था कि डॉक्टर बनने का। अक्सर बचपन में हर किसी को होता है कि एक डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो माशाल्लाह चार भाई हैं, चार भाई में से हम दो भाइयों का शौक इस तरफ आया, और माशाल्लाह हम दो इस फील्ड पर आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है। खुशी इस बात की है कि लोगों की खिदमत हो रही है। देखिए, कारोबार अहमियत नहीं रखता, मेन चीज़ जो लोगों की दुआएं हैं ना, वो सबसे बड़ी अहमियत रखती है। बिल्कुल माशाल्लाह लोगों ने दुआओं से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र, आज शायद उसी मकाम, उसी वजह से उसी मकाम पर हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी मैंने सेमिनार में हिस्सा लिया है आपका, बहुत सी कंपनियां हैं जिनके मैंने सेमिनार में काफ़ी टाइम गया हूँ, हिस्सा लिया, जैसे कि मल्टीनेशनल इंडिया, बाहर की भी कंपनी है, उसमें भी मैं हिस्सा ले चुका हूँ। बाकी बीएम का अभी तक मैं नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे इनका इतना ब्रांच नहीं है, इस वजह से। बाकी और जितनी भी कंपनियां, तकरीबन सबको मैंने उनकी उसमें प्रोग्राम, बस मैं यही कहूँगा, कंपनियों का तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कराची में, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपनियां आती जा रही हैं, लेकिन क्वालिटी एक से नंबर वन से वन रखें, ताकि और कंपनियों के मामले में आपकी डिमांड अच्छी रहे। और अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह मुझे रिजल्ट मिला, इसलिए मैं और लोगों को भी गाइड करूँगा। अभी तो यही है कि जो पेशेंट्स हैं मेरे, शिफा होके जाते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, और आगे मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनकी खिदमत करें। ये भी हमारा खिदमत का मौका है, एक डॉक्टरी हमारा पेशा ही ऐसा है। जी बिल्कुल, पहले था लेकिन अभी वो तंजीम ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पे अब ज़ाहिर है टाइम नहीं दे पा रहा मैं। तंजीम आज भी है लेकिन मैं वहाँ टाइम नहीं दे पाता, तो अब टाइम हो तो फिर इंसान जो है आगे इनको ज्वाइन करे। ना तो मैं जो है सियासत से मोहब्बत है, ना लगाओ, और ना ही मैं किसी को आगे इस मामले में कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये सियासत इनकी अपनी है और आवाम का फसाद है बस, तो सियासत से दूर ही रहें तो अच्छा है। माशाल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 2015 में मेरी शादी हुई थी, और माशाल्लाह मेरा एक 7 साल का बेटा है, और फिर एक 5 साल का बेटा है, और फिर एक माशाल्लाह भी मेरी 7 से 8 महीने की बेटी भी छोटी। माशाल्लाह, तो जैसे बड़े होंगे इंशाल्लाह उनको देखेंगे, अगर वो इस फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल उनको भी इंशाल्लाह कराएंगे। मत खाने में बस जो अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना हो वो बस पसंद करते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल जी, आप डॉक्टरों से ये एक पैगाम है मेरा कि आप लोग माशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, और कोशिश करें इसको अपना पेशा ना बनाएं, इसको एक खिदमत का बनाए, अपना इदारा बनाए, ताकि लोगों की खिदमत उतरे। आजकल लोग पेशा बना के घूम, मतलब पेशेंट से पैसे ले लेते हैं लेकिन ट्रीटमेंट वैसी नहीं दे पाते, तो कोशिश करें ट्रीटमेंट अच्छी से अच्छी दें, क्योंकि दुआओं का असर बहुत बड़ा है। आपको दुआएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मजीद आपके इसमें बरकत देगा, और कोशिश करें ऐसी लोगों की खिदमत करें। बाकी अल्लाह हर किसी को जो है इस राह में चलाए, और आमीन। हर किसी के लिए आसानी करे, और आप लोग भी मुझे ऐसी दुआओं में आ सके।